दोस्तों 100% सब कवर किए हैं जो कि रिपीटेड प्रश्न है बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का। चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? तो राइट आंसर शुक्र ग्रह को। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी कितने समय में अपनी धुरी तक एक चक्कर लगा लेती है? तो राइट आंसर 24 घंटे में। तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन है? तो जिराफ। चौथा प्रश्न है, कुंभ मेला कितने सालों के बाद आयोजित होता है? तो राइट आंसर 12 साल, अर्धकुंभ 6 साल और महाकुंभ 12 साल में आयोजित होता है। पांचवा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? राइट आंसर बिल गेट्स। छठा प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट प्रश्न है, दास प्रथा को किसने खत्म किया था? राइट सर अब्राहम लिंकन। आठवां प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? राइट सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नौ नंबर प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर सिंगापुर में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1983 ईस्वी में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। बारह नंबर प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर मिल्खा सिंह को। टॉप 50 प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे जो बार बार रिपीटेड प्रश्न है बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के एग्जाम में। और आप लोग वीडियो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, कौन से क्रिकेटर को दो वाल के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर राहुल द्रविड़। 14 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? राइट सर 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी किनारे। 17 नंबर है, कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। 18 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उन्नीस नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। 20 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? तो इन्हें रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है राष्ट्रकवि की उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 22 नंबर प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। 24 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की मौत कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। इसलिए 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? राइट सर नाथूराम गोडसे के द्वारा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। 27 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 28 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। 29 नंबर प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन। 30 नंबर प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545। 31 नंबर प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में? ओडिशा में। 32 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सातवां। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा रहा। 33 नंबर प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश को धान की डालिया कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। 34 नंबर प्रश्न है, पांच नदियों की भूमि कौन सी है? पंजाब को बोलते हैं। 35 नंबर है, बिहार का अशोक नदी किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। 36 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे पहले फिल्म कौन सी थी? राजा हरिचंद। 37 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। 38 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 31 मार्च 1931 ईस्वी को। गलत बोल दिए, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी।
फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। 40वां प्रश्न, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 ईस्वी में। 41वां प्रश्न, भारत कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बयालीस नंबर प्रश्न है, भारत रत्न बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। 43वां प्रश्न, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। 46वां प्रश्न, हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सैतालीसवां प्रश्न है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 48वां प्रश्न, हमारा राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण मन अधिनायक जय है। 49वां प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बंगाल टाइगर, जिसको बाघ कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, 7 मिनट में, 7.5 मिनट में आपको टॉप 50 प्रश्न इस वीडियो में कवर किए हैं, और आप लोग बताइएगा आज वीडियो कैसा रहा। तो प्रीवियस ईयर में जितना प्रश्न पूछा जाता है, वही प्रश्न इस वीडियो में कवर किए, वो बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी हो। और इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक। अगर आप लोग 500 लाइक करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो पर डे आपको बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न के 50 प्रश्न का वीडियो पर डे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो पीएसटी का इसके टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, फ्री में वहाँ पर आपको फ्री एफ मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए तो व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लीजिए चैनल, वहाँ भी आपको फ्री एफ मिल जाएगा। क्योंकि वीडियो बना के सभी टॉपिक पर अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए सबसे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपलोड कर देते हैं, अपडेट करते हैं। इसीलिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताइएगा जब 50 में आपका कितना सही रहा। थैंक यू।